दौरे का, और वहां जाकर जो भारतीय कम्युनिटी उसमें बहुत ठाके लगाकर तालियां बजा बजा कर जिक्र करते हैं उस बूढ़ी मां का जो कहीं वृद्धाश्रम में पड़ी हुई है। ये कहते हैं, मेरी बात हुई एक मां से, जो पता नहीं कब बात होगी, बड़ी हैरानी की बात है, कौन से आश्रम की कौन सी मां से प्रधानमंत्री जी की बात हुई, जुमले गढ़ना इनसे सीखिए कोई। उन्होंने कहा वहां पर जापान की हमारी इंडियन कम्युनिटी के सामने कि मुझे एक मां ने बहुत आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटा बहू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गए थे, लेकिन अब मेरे मुझे उनको मेरी याद आ रही है और मेरे बैंक में 2.5 लाख रुपया जमा हो गया है। वो माँ कहाँ है, वो कौन सा आश्रम है, कब बात हो गई प्रधानमंत्री जी से जिसका जिक्र वो जापान में जाकर कर रहे थे, ठाके लगा रहे थे, अध्यक्ष जी वो माँ मुझे मिल गई है, मैं बताना चाहती हूँ। और उस माँ ने मुझे कहा, जिस माँ की प्रधानमंत्री जी से बात हुई वही माँ उसी हिसाब से मुझे भी बता रही है कि मोदी जी को जाकर कह दीजिए कि मुझे नहीं मालूम मेरा बैंक खाता वो कौन सा है, मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे ने कब और कैसे 2.5 लाख डाला है, अगर आपकी जानकारी में है मोदी जी तो जाइए मेरे बेटे को काला धन मेरे खाते में डालने के मामले में गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए, और आशीर्वाद मैं आपको तब दूंगी जब वो माँ ये कह रही है कि मैं अपनी 4 दिन से पासबुक लेकर बैंक के खाते धक्के खा रही हूँ, मैं अपनी पेंशन नहीं लगवा पा रही हूँ, मैं दवा नहीं ले पा रही हूँ, वो माँ रो रही है। ये मोदी जी को मैं बताना चाहती हूँ, ये वही माँ है जिस माँ ने आपको आशीर्वाद दिया था। अध्यक्ष जी सबसे बड़ी बात, खाता नंबर मैं बता रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, 5545100034। ये किसका अकाउंट नंबर है अध्यक्ष जी? पश्चिम बंगाल के भाजपा के जो खाता है, पार्टी कार्यालय का खाता का नंबर बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, 5545100034। मैं क्यों इसका जिक्र कर रही हूँ अध्यक्ष जी? प्रधानमंत्री देश के कहते हैं ये जानकारी बहुत खुफिया रखी गई है, किसी को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 8 तारीख की रात को 8:37 में घोषणा करते हैं और उसी दिन सुबह 500 और 1000 के नोट भाजपा कार्यालय बैंक के खातों में जमा करा देता है सुबह सुबह। ये कोई पूछेगा कि 1 करोड़ रुपया जो भाजपा के खाते में सभी के सभी 100 और 500 के नोट जमा कराए गए वो कैसे आए? और ये एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत से उदाहरण है अध्यक्ष जी जो मैं आपको गिना सकती हूँ, और मुझे लगता है बिल्कुल जो जांच की मांग की जा रही है, भाजपा के एक एक कार्यालय खातों की जांच होना बेहद जरूरी हो चुका है। ये कहना कि ये जानकारी किसी को नहीं थी ये बिल्कुल झूठ है, इसके एक और अब मैं आपको सबूत दे देती हूँ। अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहती हूँ, ये शख्स जो है संजीव कंबोज, ये कौन है? ये पंजाब का भाजपा का बहुत बड़ा नेता है। ये ट्वीट पर 2000 नोटों की गट्ठी की तस्वीर डालते हैं, और कब डालते हैं? मोदी जी घोषणा करते हैं देश के प्रधानमंत्री 8 तारीख की रात को, और संजीव कंबोज जो भाजपा के बहुत बड़े नेता है पंजाब से, वो ये खबर डालते हैं 10:53 सुबह 6 तारीख को, 6 नवंबर को, जब देश को नहीं पता था कि 2000 का नया नोट आने वाला, उसकी शक्ल क्या होगी, उसको आरबीआई जो है मोदी जी की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जो है उस नोट को दिखाती है पूरे देश में कि वो नोट कैसा होगा, लेकिन भाजपा के इस नेता के पास इसकी जानकारी, इसकी तस्वीरें, ये नोट कैसे थे, ये तो देश जानना चाहेगा कैसे इनको खबर थी इसकी, लेकिन इसका जवाब भाजपा का कोई नेता देने को तैयार नहीं है। उल्टा राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर जिस तरह से निर्दोषों को मैं कहूंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी पूर्व चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि जिनको फेक इनकाउंटर में मारा गया है उनका दोष कभी साबित ही नहीं हुआ, वो अभी अंडर ट्रायल थे, तो देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर जिस तरह से निर्दोषों को फेक इनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह देशभक्ति राष्ट्रवाद के नाम पर, काले धन के नाम पर निर्दोषों को, 125 करोड़ की गरीब मजदूर आम आदमी किसानों को लाकर इन्होंने जो है वो सड़क पे खड़ा कर दिया है। शर्म आती है हमें, उस माँ के आंसू नहीं दिखते, और सबसे बड़ी तो मैं निंदा करना चाहूंगी, शर्म आती है। कल तक जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लाइनों में खड़े थे तो मोदी जी भाषण देकर ठाके लगा रहे थे कि माँ का काला धन जमा करने के लिए एक बेटा लाइन में खड़ा है, और आज मैं कहूंगी क्या देश के प्रधानमंत्री जी, आपकी भी माता जी को आज आपने 90 साल की उम्र में लाइन में खड़ा करने को एक फोटो कहूंगी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपने देखा 90 साल की मां को लाइन में खड़ा कर दिया। बहुत से बेटे हैं, मैंने 4000 रुपया लाइन में खड़ा होकर निकाला और सबसे पहले 4000 में से 2000 लेकर मैं अपने 80 साल के करीब, मेरे पिताजी की उम्र होने वाली है 75 साल के ऊपर, मेरी माँ है, सबसे पहले अगर 4000 निकाला तो 2000 अपनी माँ को देकर आई कि माँ जरूरत हो तो रख लो, मुझे पता है आप लाइनों में नहीं लग पाओगे, आपको शुगर की बीमारी है। देश के प्रधानमंत्री 4000 बदलने के लिए अपनी माता जी को खड़े करते हैं।
बहुत सी माताओं की पेंशनें नहीं मिल पा रही हैं, वो रो रही हैं। अध्यक्ष जी, और मैं आपको बताती हूँ, इसके अलावा बाबा रामदेव जी ने भाषण दिए थे, नरेंद्र मोदी जी का चुनावों में समर्थन किया था, काला धन आएगा और 15 लाख आएगा सबके खाते में। हम इसी देश का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी घोषणा करने लग गए मुझे लगा शायद काला धन वापस आ गया और सबके खातों में 15 लाख आने वाला है। लेकिन अध्यक्ष जी होता क्या है, अभी एक अलवर की वीडियो जो है वो क्लिपिंग चल रही है किसी न्यूज चैनल की, उसमें बाबा रामदेव अलवर राजस्थान का कोई उपचुनाव होना है, उसके उम्मीदवार है चांदनाथ, प्रत्याशी है, उनके प्रचार में गए तो उनको भूल गए कि मेरे सामने माइक और कैमरे लगे हुए हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी चांदनाथ है वो बाबा रामदेव जी के कान में कहते हैं, अरे बड़ी मुसीबत आ गई, मेरा भी पैसा पकड़ा गया। ये उनके शब्द हैं, किसी ने कहीं से पैसे लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े भी गए। अब बाबा रामदेव जी क्या कहते हैं, उनका हाथ पकड़ते उन्हें चुप कराते, ये बात यहां बंद करो, बावले हो गए हो, यहां मत करो, फंस जाओगे। ये क्या सच्चाई है, क्लिपिंग चल रहा है लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा उसको, उसके ऊपर बाबा जी से नहीं पूछा जा रहा किसका कौन सा पैसा पकड़ा गया। ये वही बाबा रामदेव है जो आज पतंजलि के अंदर जो करोड़ों रुपया, मैं कह रही हूं आप सरहद पे खड़े जवान का बाबा रामदेव हवाला दे रहे देशभक्ति के नाम पर। बाबा रामदेव जी आपका हम लोग आपको तब हम मानेंगे जब आप पतंजलि के दरवाजे खोल देंगे और आटा और नमक और चीनी और भूखे जो लोग आज हैं उनके घर तक आपका पतंजलि का सामान पहुंचे, पर आपके यहाँ पर भी काले धन को सफेद करने का काम चल रहा है। दूसरा, भाजपा के ही बहुत बड़े नेता, बहुत नाम